काला ढूंगी में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के माध्यम से बाघ संरक्षण और जंगल संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं वन आरक्षी प्रमोद सत्यबली ने बताया कि जंगल बेचेंगे तो बाघ बचेंगे, इसीलिए जंगल और बाघ संरक्षण पर हम सबको ध्यान देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाघ, गुलदार और कोई भी जंगली पशु देखे जाने पर उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, उनको पत्थर ना मारें, खुद को सुरक्षित कर लें। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। आज इसी क्रम में 29 जुलाई को कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से ये काला ढूंगी म्यूजियम में, इसके साथ आज यहाँ कॉर्बेट म्यूजियम में ये ग्लोबल टाइगर डे बनाया गया, जिसमें बच्चों को काफ़ी जानकारी प्रदान की गई और बच्चों को काफ़ी जानकारी प्रदान की गई और बच्चों को बाघों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में बताया गया।